अस्सलाम इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा नाइव बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। किस तरह हम नाइव बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नाइव बेस जो इंट्यूशन है वो बहुत सिंपल है। सिंपल नाइव बेस क्लासिफिकेशन मेथड्स जो है वो बेस कर रहे होते हैं बेस रूल और रिलाइज ऑन वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज बैग ऑफ वर्ल्ड। जब हम नाइव बेस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके प्रोग्रामिंग असाइनमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि जो हम एक अजम्पशन लेते हैं दैट इज बैग ऑफ वर्ल्ड। बैग ऑफ वर्ल्ड का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास वर्ड्स एक पूरे इस डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहे हैं, लेकिन जब आप इन तमाम वर्ड्स को बैग में डाल देते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास कोई बैग है और उसमें जो जितनी भी आइटम्स हैं वो ऑर्डर में नहीं पड़ी होती अनऑर्डर पड़ी होती हैं, तो ये आप वर्ड्स सिर्फ आप इन वर्ड्स को कंसिडर कर लें और उनके ऑर्डर कि वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं उनको इग्नोर कर दें तो इट मीन्स ये बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन है। इसको दोबारा कि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन आप उन वर्ड्स की जो पोजीशन है लोकेशन है ऑर्डर उसको कंसिडर नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपने सिर्फ ये देख लिया कि इस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड्स आ रहे हैं और इन वर्ड्स का ये काउंट है, दैट्स इट। आपको कहीं पे भी इन वर्ड्स की पोजीशन या लोकेशन या ऑर्डर नजर आ रहा है नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन। सो अगेन यहाँ पे डिस्कस ये किया जा रहा है कि नाइव बेस में आपके पास एक डॉक्यूमेंट डी आएगा, आप उस डॉक्यूमेंट डी को इस तरह ट्रीट करेंगे एज अ बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन। मीन्स के आप सिर्फ उस डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको कंसिडर करेंगे, उनके ऑर्डर उनकी पोजिशन कंसिडर नहीं करेंगे और उसकी बेस पे आपने प्रेडिक्ट करना है उसकी क्लास क्या है, क्या उसकी क्लास पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है या जो भी रिस्पेक्टिव क्लास है। इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो ये क्या है, फॉर अ डॉक्यूमेंट डी एंड अ क्लास सी यूजिंग नाइव बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हम क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो चीज़ ऑब्जर्व हो चुकी हुई है दैट इज डॉक्यूमेंट डी और हम उस डॉक्यूमेंट डी की क्लास को डिटरमिन करना चाह रहे हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर आपके पास थ्री क्लास प्रॉब्लम है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, मीन्स उसमें कोई सेंटीमेंट ही नहीं है, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट इनपुट आया D1, अब आपने ये डिटरमिन करने की इस डॉक्यूमेंट की क्लास क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब आप क्या करेंगे, आप यूजिंग नाइव बेस उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे, आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन D1 क्या आ रही है, probability of negative class given D1 क्या आ रही है, probability of neutral given D1 क्या आ रही है। आपने इन सब की probability compute कर ली और जिसका answer maximum आ रहा है आपने उस document को वो respective class assign कर दी कि अगर इसका answer आ रहा था 0.2 ये आ रहा था 0.3 और ये आ रहा है 0.5 तो मैक्सिमम आंसर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है दिस वन, तो D1 को जो क्लास असाइन हो जाएगी दैट इज नेगेटिव क्लास। और नाइव बेस में इस प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं बेस रूल। बेस रूल क्या है इसको जस्ट समराइज कर लेते हैं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करनी है तो दैट इज इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे आप इसको ए और बी कंसिडर कर लें तो ये आपके पास बी गिवन ए आ गया देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया और देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया।
ये जो लास्ट स्लाइड में हमने चीजें डिस्कस की थी उसको मैथमेटिकली ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आपके पास जो अगर हमारे पास सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ क्लासेस को जिसमें पॉजिटिव आ सकती हैं नेगेटिव आ सकती हैं और न्यूट्रल आ सकती हैं, और हमने ये डिटरमिन करना है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, और ऑटोमेटिकली आर्क मैक्स ऑफ सी जी इस डॉक्यूमेंट की जिस क्लास से साइन होने की प्रॉबिलिटी मैक्सिमम होगी हम इस डॉक्यूमेंट को वो रिस्पेक्टिव क्लास साइन कर देंगे। देन प्रॉबिलिटी ऑफ सी गिवन डी में बेस रूल अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू पुट की हमारे पास ये वैल्यू वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट उसके बाद हमने प्रॉबिलिटी ऑफ डी ये जो डिनोमिनेटर था इसको इग्नोर कर दिया। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आप अगर प्रॉबिलिटी आप प्लस के लिहाज से कर रहे हो या माइनस के लिहाज से कंप्यूट कर रहे हो या नेगेटिव के लिहाज से कंप्यूट कर रहे हो तो तीनों केसेस में जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास सेम आ रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करके अगर आपके पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव का 0.3 0.45 और नेगेटिव और न्यूट्रल, सिमिलरली आपके पास जीरो पॉइंट वन और आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ये वैल्यू कहाँ कैसे आ रही है वो इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आ रही है। ज्यूम कीजिए अब ऑब्वियसली अगर आप इस डिनोमिनेटर को इससे भी डिवाइड ना करें इससे भी डिवाइड ना करें इससे भी डिवाइड ना करें तो तब भी नेगेटिव क्लास की वैल्यू ग्रेटर ही रहेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह अगर आप 7, 10, 3 और इन सबको आप 100 100 से डिवाइड कर दें और आपसे तो ये पूछूं कि अगर हमने पहले 100 से डिवाइड नहीं किया तो कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू आप देंगे, ये वाली, और अगर 100 से डिवाइड कर दें तीनों को सेम कॉन्स्टेंट है तो कौन सी वैल्यू रहेगी, तब भी आप कहेंगे कि यही वैल्यू। सो इस वजह से फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं मैक्सिमम में तो प्रॉबिलिटी ऑफ डी को हमने ड्रॉप कर दिया और हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। सो हमारे पास अब जो ये प्रॉबिलिटीज आ रही हैं सो दैट इज मैक्सिमम एक पोस्टीरियर प्रॉबिलिटी है और हमने इस पे बेस रूल अप्लाई किया और ड्रॉप कर दिया डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर दिया। और अब सिंप्लीफाई होने के बाद क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम फाइंड करना चाह रहे थे प्रॉबिलिटी ऑफ क्लास गिवन डी और उसको सिंप्लीफाई करके प्रॉबिलिटी ऑफ डी आ गया। और अब आपको पता है कि जो डी है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट को और डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं मल्टीपल वर्ड्स के x1 x2 ये मल्टीपल वर्ड्स हैं या आप इसको w1 w2 up to wn कर सकते हैं। तो हमने प्रॉबिलिटी ऑफ x1 x2 up to xn गिवन क्लास फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सो डॉक्यूमेंट डी रिप्रेजेंटेड एज अ फीचर x1 up to xn, इसको हम लाइकलीहुड कह रहे हैं और ये हमारे पास प्रायोर है। नाइव बेस क्या कहता है? नाइव बेस कहता है कि ऑल फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट है, ऑल फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ना प्रॉबिलिटी ऑफ x1 x2 up to xn गिवन सी इसको कंप्यूट करना कितना चैलेंजिंग है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉल करें जो लैंग्वेज मॉडल पे थे तो वहाँ पे भी अगर प्रॉबिलिटी ऑफ x1 x2 up to xn फाइंड करना था तो हमने कहा था कि इसको कंप्यूट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए और सेम चैलेंज हमारे पास यहाँ पर भी आएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम दो अजम्पशंस लेते हैं, एक बैग ऑफ वर्ड अजम्पशन। बैग ऑफ वर्ड अजम्पशन का मतलब ये है कि उसमें जो वर्ड्स हैं उनकी पोजीशन मैटर नहीं कर रही, हम हर वर्ड सिर्फ इसको देख रहे हैं कि एक वर्ड उस डॉक्यूमेंट में आया ही नहीं आया, और सेकेंडली
conditional independence assumption ke assume the features probabilities are independent given class. ये बिल्कुल वैसे ही, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉल करें जहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी है और ये तमाम के तमाम फीचर्स इंडिपेंडेंट है, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी गिवन डी इंडिपेंडेंट है, तो ये बराबर, ये बराबर आज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी. अब यहाँ पे क्योंकि हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ऑल फीचर्स गिवन क्लास इंडिपेंडेंट हैं, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू गिवन सी अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन गिवन सी. ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर हम इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी को ही आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनल इंडिपेंडेंस अजम्पशन, ये वाली नोटेशन इस तरीके से हमारे पास आ गई. और क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन गिवन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू गिवन सी, और हम इंटरेस्टेड हैं अब इस पूरे एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज कर लें, एक्स बिलोंग्स टू एक्स मीन्स तमाम के तमाम वर्ड्स, तो ये उसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते जाएंगे और हमारे पास ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगी फॉर नाइव बेस. इसी चीज को समराइज किया जा रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे तमाम के तमाम वर्ड्स आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, उनकी पोजीशन नहीं आ रही, और अब हम हर वर्ड को देख रहे होंगे कि वो इस रिस्पेक्टिव क्लास में उसके अकर होने की क्या प्रॉबिलिटी है, तमाम के तमाम वर्ड्स की उस क्लास में अकर होने की क्या प्रॉबिलिटी है. जो भी प्रॉबिलिटी होगी हम उसी लिहाज से इन प्रॉबिलिटीज को कंप्यूट करते जाएंगे और एट द एंड उसको इन्फर कर लेंगे. अब इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट में मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो ये जो अब आप उन प्रॉबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे करते जाएंगे, तो चांसेस ये हैं कि आपके पास अंडर फ्लो वाला इशू आ जाए. सो उसका सोल्यूशन क्या है, जिस तरह हमने लैंग्वेज मॉडल के केस में डिस्कस किया था कि हम लॉग ले लें, लॉग लेने से होगा ये कि ये प्रोबेबिलिटीज अब मल्टीप्लाई नहीं होंगी बल्कि ऐड हो जाएंगी, और इवेंचुअली क्योंकि हम लॉग स्पेस में मूव कर रहे हैं तो उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन से अगर कोई वैल्यू बढ़ी है तो लॉग में कन्वर्ट होने के बाद भी वो वैल्यू वो बढ़ी ही रहेगी और जो हमारा एक्चुअल डिसीजन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. होपफुली आप को हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह लर्निंग परफॉर्म की जाती है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में टॉय एग्जांपल लेंगे और कंप्लीट नाइव बेस एल्गोरिथम को रन ड्राई रन करेंगे. होपफुली उस वक्त आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.